जी हाँ, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों की आर्थिक सहायता के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना चलाया जा रहा है। और भाई जिसके तहत इनपुट सब्सिडी किसानों को योजना के तहत दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा महत्वपूर्ण राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम व चौथी किस्त भुगतान के डेट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और एक ऐलान कर दी है कि विधानसभा सत्र के बाद ही किसानों को चौथी किस्त की राशि का भुगतान किया जाएगा। मिली जानकारी अनुसार फिलहाल विधानसभा सत्र जारी है, 24 मार्च तक यह चलेगी। वही 31 मार्च से पहले भूपेश सरकार राज्य के लाखों किसानों के खाते में पैसे भेजने की तैयारी पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है कि किसानों को 31 मार्च के पहले पैसा मिलेगा, लेकिन भाई अभी तक किसानों के मन में ये कंफ्यूजन है कि आखिर चौथी किस्त कौन से तारीख में मिलेगा। बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने चौथी किस्त की भुगतान संबंधित जानकारी बताई है। तो आइए चलिए सुनते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। राजीव गांधी किसान न्याय योजना विधानसभा सत्र 24 तारीख से रही, ओकर बाद कोनो एक डेट के 31 तारीख के पहली तुम्हारे खाता में चौथा किस्त पहुंच जाए जत का किसान है तेकर मन के। अब ताली जे नहीं बजाई तो फोटो खींच दो भाई। देश में कोनो राज्य ऐसे नहीं जब 2500 रुपये मिलत हुई। अब ये साल तो जनधान में देकर 2640 पड़ी, अगले साल 150 रुपये समर्थन मूल्य बढ़ गए तो समझ लो 2800 तरफ जाए। किसान के अर्थव्यवस्था सुधारे काम कोदो कुटकी रागी एकरो समर्थन मूल्य गन्ना के समर्थन मूल्य देश में सबसे ज्यादा यही मिला थे, दूसरे जगह नहीं मिला थे। तो अर्थव्यवस्था सुधारे काम हमारी सरकार कर। तो भाई आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को। उनके बताए अनुसार 24 मार्च तक विधानसभा सत्र चलेगा, यानी 24 मार्च और 31 मार्च के बीच कभी भी चौथी किस्त जारी किया जा सकता है। आपको बता दें भाई तीसरी किस्त दीपावली के पहले ही अक्टूबर में किसानों के बैंक खाते पर जारी किया गया था, क्योंकि सीएम बघेल तीज त्योहारों को भी ध्यान में रखकर पैसे जारी करते हैं। तो भाई इस तरह देखें तो अभी 31 मार्च के पहले 30 मार्च से रामनवमी शुरू होने वाला है, तो 25 से 29 मार्च के बीच चौथी किस्त जारी कर सकते हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। भाई लोग एक शब्द में बताएं तो अभी 24 मार्च तक विधानसभा सत्र चलेगा, उसके बाद ही चौथी किस्त का भुगतान किसानों को किया जाएगा। वैसे किसान भाई लोग आप लोगों को क्या लगता है, अपना विचार रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइए। साथ ही भाई इससे जुड़ी अपटूडेट इन्फॉर्मेशन आगे भी चैनल के माध्यम से हम आप लोग तक शेयर करते रहेंगे। तो वीडियो के नीचे जो लाल रंग का बटन दिख रहा है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके रखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, मित्रों को शेयर कर दीजिए। छत्तीसगढ़ व विभिन्न योजना से जुड़ी अपटूडेट इन्फॉर्मेशन लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलता रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो पर बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय जवाहर, नमस्कार।